सिद्धार्थ कहाँ चला गया यार? कोई आ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी किसी को? मॉम, मॉम को कैसे रोकूंगी? अरे मॉम, आप यहाँ अचानक से? एक्चुअली रोशनी घर पर नहीं रहा गया, बहुत ज्यादा बेचैनी। ऐसे सोचने लगी तो आई रियलाइज कि इतने दिनों में इतना कुछ उल्टा सीधा हो गया कि मैं सिर्फ तेरे साथ रहना चाहती हूँ रोशनी। यश को हम घर भेज देते हैं ना? सिद्धार्थ ठीक है ना? वो ठीक नहीं है मॉम, अभी उसको होश ही नहीं है। पर अच्छा हुआ आप आ गई मॉम। क्या है ना, यश सच में सोया नहीं है मॉम, ही हैज टू गो बैक एंड टेक रेस्ट, तो उसको भेज देते हैं वापस। मैं जरा सिद्धार्थ को देख कर आती हूँ, ठीक है? मॉम नो नो, वो सुनिए ना, क्यों सब ठीक है ना, ऐसे डरा क्यों रही है तुम? हाँ हाँ सब ठीक है, मैं बस ये बोल रही हूँ कि इतनी देर से सिद्धार्थ के पास बैठी हुई थी तो मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। कैन यू गो ईट समथिंग? पहले कहती आज। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शो बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें। मुंह मत खोलो तुम बिल्कुल। अच्छा रॉन्ग विद यू, हो क्या जाता तुम्हें हॉस्पिटल आकर यहाँ पर पागलों की तरह क्यों बिहेव करने लगती हो? वो गायब हो गया है। पागल हो गई है आप, प्लीज इनको घर ले जाइए, बाकी के पेशेंट्स ने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया, हम मर जाएंगे, हमें भगा देंगे यहाँ से, जिससे घर आए। नो, ये तो पागल बना कर रखेगी। नहीं नहीं, चुप होगी तुम, 2 मिनट अपनी बेटी के साथ बिताना चाहती थी वो भी नहीं होने दी। गायब हो गया वो, नहीं है उड़न चू। वापस आप लोग मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहे हो। चाची मॉम देख रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू। नहीं, मैं हॉस्पिटल कभी नहीं आऊंगी, मैं कभी नहीं आऊंगी हॉस्पिटल। दीदी प्लीज मेरी बातों का यकीन करो, एक बार दीदी आके जस्ट चेक कर लो, वो वहाँ पे नहीं है। इट्स अ नो थिंग। ओके फाइन, एक काम करते हैं, देख लेते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि तुम पागल हो चुकी हो। यू आर रियली इरिटेटिंग। अगर ये गलत साबित हुई तो वापस नहीं आएगी अस्पताल। देखने दो ना इसको एक बार, सिद्धार्थ को काम खत्म, एटलीस्ट वी विल गेट रिड ऑफ हिम। शोर मत मचो। मैं खोलती हूँ। देखा, कौन है ये? It's a sin. छू के भी देख लो, सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ कपूर। चले। It's a sorry. हाँ यश, can you do me a favor please? मॉम और चाची को बाहर तक छोड़ाओगे प्लीज? हाँ she needs rest, yeah, she has to go home. Sure. हल्का सा भी कोई चेंज आए ना तो प्लीज मुझे फोन करके बता दे। I'm waiting, okay? चलिए आंटी। तुमने पता मुझे कितना डरा दिया था? गुड जॉब डन। Thank you.
हैव अ गुड न्यूज, मुझे आयशा की लोकेशन का पता चल गया है। वो सानपाड़ा में है, इस जोकर ने उसे सानपाड़ा में रखा है। लेकिन सानपाड़ा में एग्जैक्टली कहाँ ये पता करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। चाची, सॉरी, थोड़ा जरूरी बात करनी है। यश, मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ। हाँ बोलो। यश, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। देखो, मैंने मॉम को भी इसलिए आज हॉस्पिटल भेजा ताकि वो यहाँ ना हो और मैं शांति से अपना काम कर सकूं। मैं जानती हूँ मंदिर थोड़ा दूर है, वो मुंबई के बाहर जाके आउटस्कर्ट्स पे, पर मुझे ना माँ नानी लेकर गई थी और वहाँ बोलते हैं कि वहाँ जो भी मांगो ना सारी मुरादें पूरी हो जाती है, बहुत मान्यता है उस मंदिर की। यश, मैं सिद्धार्थ को जल्दी से ठीक होते हुए देखना चाहती हूँ। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। रोशनी आज, यश प्लीज मना मत करना, तुम्हें पता है मॉम आज नहीं है, नहीं तो वो मुझे अलाउ भी नहीं करेंगी, इसलिए मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। प्लीज यार, तुम नहीं चाहते कि सिद्धार्थ ठीक हो जाए, तुम भी तो उसके फ्रेंड हो ना। मैं देख नहीं सकती यश, प्लीज। अच्छा ओके 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 ओके, डोंट 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 क्राई, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। लेके जाओगे? चलो ना यश, अब अभी। थैंक यू यश, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। हो गया, अब चलिए। नहीं नहीं यश, ऐसे कैसे जा सकते हैं? ये पेड़ है ना, ये ऐसा वैसा पेड़ नहीं, बहुत मान्यता है इसकी। अगर 51 टाइम्स इसके अराउंड परिक्रमा करेंगे ना, तो जो चाहिए ना वो सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। मेरी नानी ने बताया था, तो इतनी दूर आया तो ये करके ही चलते हैं ना। थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज बेयर विद मी। ठीक है, कर लो। थैंक यू। मन्नत तो मैं पूरे दिल से मांग रही हूँ अपने और अपने परिवार के लिए यश, पर मन तो कर रहा है कि अभी के अभी तुम्हारे गले में धागा बांधकर तुमसे पूछूं कि जरूरत कैसे हुई तुम्हारी आयशा को किडनैप करने की, मेरे सिद्धार्थ को परेशान करने की, मेरे परिवार को इतनी परेशानी पहुंचाने की। खैर, मेरे सवालों के जवाब तो बहुत जल्द सिद्धार्थ तुम्हारी जबान से निकलवा ही देगा। तुम रोओगे, ये गेम क्यों खेला तुमने हमारे साथ? मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन वो गुंडे जिस घर के बाहर खड़े थे, मैंने शायद उस घर के अंदर कुछ ऐसे खिलौनों को देखा जो मैंने यश के वीडियोस में भी देखे। और अगर ऐसा है तो आयशा उसी घर में है। मेरा मन तो कर रहा है मैं अभी उस घर में जाऊं और आयशा को उस घर के बाहर निकाल दूं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता। अगर आयशा वहां है तो उसकी जान खतरे में है, और आई कांट टेक दैट चांस। सर प्लीज कुछ करो, मेरी आयशा को बचाओ। सर, मैंने उन गुंडों को जो गुड़िया दी है उसमें कैमरा है, उस कैमरे में जो कुछ भी आएगा फोन पे देख सकता हूँ, क्या सच है क्या झूठ है अभी पता चल जाएगा। असली गुड़िया तो मेरे सामने थी। इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा और अभी करना पड़ेगा। रोशनी यश के साथ है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत देर तक वो संभाल पाएगी। We have to do something now। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें।